सितारगंज पुलिस ने कटघरी मोड़ पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया है कि 1 फरवरी को जयदीप सिंह ने सितारगंज कोतवाली में भाई मनदीप सिंह के साथ हुई लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद 4 फरवरी को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा सहित अवैध हथियार भी बरामद किए गए। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। दो अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं, गगनदीप सिंह और गगन रतनपुरी, ये जो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं, और इसके अलावा विपिन, ये इच्छा का निवासी है। तो ये दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने जो है लूटी हुई चेन का टुकड़ा भी बरामद किया है, इसके अलावा तलवार और तमंचे भी बरामद किए हैं, तो आर्म साइट की भी बढ़ोतरी की है। और गगनदीप सिंह गगन रतनपुरिया, इस पर पहले से ही SSP उधम सिंह नगर महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इसको इनामी घोषित किया जा चुका था। तो टीम की एक बहुत बड़ी सफलता है कि दो मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, और बाकी भी अभियुक्त जो इसमें हैं और जो भी घटना में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास जारी है।